क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर का प्रशासनिक कार्य इन दिनों काफी प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर जिला अस्पताल की झूठी शिकायतें पहुंचने पर अधिकारियों को प्रतिदिन कार्य करने में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। ये बात बिलासपुर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एन के भारद्वाज ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन झूठी शिकायतें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज की जा रही हैं। इस दौरान सब शिकायतों की जांच की जा रही है तो वे झूठी पाई जा रही हैं। अधिकारी ने बताया कि बिलासपुर के निजी अस्पतालों की शिकायत भी जिला अस्पताल बिलासपुर की बताकर कुछ शरारती तत्व कार्य प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही जिला अस्पताल बिलासपुर में नेत्र रोग विशेषज्ञ 3 माह से ना होने की शिकायत दर्ज करवाई गई, परंतु ये सच है कि नेत्र रोग विशेषज्ञ बिलासपुर अस्पताल में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि कुछ समय से ऐसी झूठी शिकायतें आने की वजह से सारा कार्य प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण अधिकारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा यह शिकायत सेवा बनाई गई है। इस मोबाइल सेवा में लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन कुछ समय से देखने में ये आ रहा है कि इस हेल्पलाइन नंबर पर झूठी शिकायतें पहुंचना भी शुरू हो गई हैं, जिसकी जांच पड़ताल करने के बाद ये झूठी पाई जाती हैं। वहीं कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने झूठी शिकायत दर्ज करवाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के आदेश जारी किए हैं, परंतु झूठी शिकायतों का सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिलासपुर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एन के भारद्वाज ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को जिला अस्पताल से संबंधित कोई शिकायत है तो वह सीधे उनसे आकर बात कर सकता है, मौके पर ही उनकी समस्याओं को हल किया जाएगा। दूसरी बात सर, एक मैं आपके माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूँ, जिसकी हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ लोग जो है हमारे जो ना 1100 नंबर पे कंप्लेंट लेकर करिए, जिसकी जो प्रॉब्लम है हो रही है, लेकिन कुछ ऐसी है जिसका कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है कि हमने ऐसी कंप्लेंट आ रही है कि जी हमारे को जो है आई का डॉक्टर नहीं, 2 महीने का छुट्टी चला गया हो, जबकि 2 महीने का डॉक्टर का जिस भी डॉक्टर से उसकी बात हो रही है, एक ही डॉक्टर हमारा आई सर्जन है और वो एक डेली ड्यूटी पे बैठ रही है लड़की, नई हमारे आई सर्जन ने ज्वाइन किया हुआ है, तो उससे क्या हो रहा है किसी अब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम होती है वो भी हमारे पास ही उसकी प्रॉब्लम हमारे को डिलीवर हो रही है, तो उससे हमारे का ना टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर किसी जनरल प्रॉब्लम है तो कंप्लेंट करने से पहले कि हमारे हॉस्पिटल अथॉरिटी से सीधी डायरेक्ट बात करें, अगर इसका समाधान या नहीं होता है तो उसके बाद आगे जा सकते हैं, लेकिन पहले हमारे से तो बात कर ली जाए कि हो क्या रहा है।